खेलना हम सभी को कितना अच्छा लगता है ना, और खास तौर से बच्चों को खेलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसको बंद कर देते हैं। लेकिन बच्चों क्या तुम लोग जानते हो, जब हम लोग खेलते हैं या तुम लोग खेलते हो तो कुछ तुम लोग का खर्च होता है, वो क्या होता है, वो होता है ऊर्जा। अब तुम लोग जानना चाहते हो ऊर्जा क्या होती है ना, ये ऊर्जा क्या होती है, काम करने की ताकत होती है, जिसकी वजह से हम लोग दौड़ते हैं, भागते हैं, बोझा उठाते हैं, अपने रोजमर्रा के काम करते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो कार्य ऊर्जा की वजह से ही हम कार्य कर सकते हैं, है ना, और ऊर्जा की वजह से ही हम किसी वस्तु पे बल लगा सकते हैं जिससे कार्य होता है ना। ऊर्जा को हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ऊर्जा की ना कोई गंध होती है ना कोई स्वाद होता है ना, केवल ऊर्जा के प्रभाव को हम महसूस कर सकते हैं, है ना। और जब भी हम ये बात कहते हैं कि ऊर्जा खर्च होती है ना, तो ऊर्जा खर्च नहीं होती है, क्या होता है, ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है ना। ऊर्जा के कई रूप होते हैं, तो जब भी कार्य होता है तो ऊर्जा का एक रूप दूसरे रूप में बदल जाता है। सबसे पहले और जानते हैं कि ऊर्जा के रूप क्या क्या है, है? पहला है यांत्रिक ऊर्जा, दूसरा रासायनिक ऊर्जा, तीसरा ध्वनि ऊर्जा, चौथा प्रकाश ऊर्जा और पांचवा विद्युत ऊर्जा। ये ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। ऊर्जा जो है हमेशा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती रहती है ना। सबसे पहले हम लोग जानते हैं यांत्रिक ऊर्जा क्या है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा, जैसे अभी तुम लोगों ने देखा हम लोग खिलौने से खेल रहे थे, इस खिलौने में क्या होता है, इसमें स्प्रिंग होती है ना, और जब हम इसमें चाबी भरते हैं, ऐसे चाबी भरते हैं, तो इसमें स्प्रिंग जो होती है वो ऐड जाती है ना। जब इसको हम छोड़ते हैं तो स्प्रिंग की ऐठन जो होती है वो खुलने लगती है ना, और उसी स्प्रिंग में ही यांत्रिक ऊर्जा संचित हो जाती है ना। तो स्प्रिंग की ऐठन जब खुलती है तो उससे ही खिलौना चलने लगता है ना। तो ये यांत्रिक ऊर्जा है। यांत्रिक ऊर्जा दो तरह की होती है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। तो समझ लो, जितनी चीजें गति करती हैं, जो चलने वाली चीजें हैं, उनमें गतिज ऊर्जा होती है, जैसे कि चलती हुई रेलगाड़ी, चलती हुई बस, है ना, बहता हुआ पानी, इनमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। और तुम लोग कभी भी स्प्रिंग खेल खेल में स्प्रिंग खींचते हो ना, ऐसे स्प्रिंग को ऐसे क्या खींचते हो, स्प्रिंग क्या क्यों खींचती है, कार्य होता है ना, स्प्रिंग छोटी से लंबी हो जाती है, तो ये स्थितिज ऊर्जा होती है। और रबर बैंड को खींचते हो, रबर बैंड को खींचना वो भी एक स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण होता है। ठीक है, तो ये था तुमको हमने बताया यांत्रिक ऊर्जा। दूसरा रूप होता है रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा, बहुत से रसायन, जैसे कि रसायन में रासायनिक ऊर्जा होती है, जो हम लोग भोजन खाते हैं, खाना खाते हो खाने में जब हम लोग खाना खाते हैं, खाना हमारे शरीर में जाता है, खाना पचता है, तो बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिससे जो है ऊर्जा मुक्त होती है ना, और वो ऊर्जा हमारे शरीर में संचित हो जाती है ना, जिससे हम बहुत से कार्य कर पाते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं भोजन में रासायनिक ऊर्जा होती है। और बहुत से रसायन, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है ना, इनसे गाड़ियां चलती है ना, इनमें भी रासायनिक ऊर्जा होती है ना। तो ये रासायनिक ऊर्जा के बारे में तुमको बताया हमने। अब तीसरा हमारा है ध्वनि ऊर्जा, है ना। तुम लोगों ने सुना होगा कभी कभी जब तेज आवाज होती है तो हमारे कान का पर्दा जो है कंपन करने लगता है ना, कान का पर्दा कंपन करने लगता है आवाज से, तो हमको आवाज सुनाई पड़ती है ना। तो चूंकि ध्वनि से क्या हो रहा है, कान का पर्दा कंपन कर रहा है, कुछ कार्य हो रहा है, तो ध्वनि भी एक प्रकार की ऊर्जा हुई। और तुम लोगों ने देखा होगा कभी कभी जब बादल बहुत तेज गड़गड़ाते हैं और खूब तेज आवाज होती है, पटाखों की आवाज होती है, तो खिड़की दरवाजे हिलने लगते हैं, घर के खिड़की दरवाजे होते हैं ना, वो हिलने लगते हैं, और कभी कभी कांच के शीशे टूट तक जाते हैं। तो समझ लो ध्वनि में कितनी ऊर्जा होती है ना। ध्वनि भी हमारी एक ऊर्जा का ही रूप है। चौथा एक प्रकार है प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश हमको कहाँ से मिलता है, सूर्य से मिलता है ना। तो सूर्य जो है हमारी धरती पे एकमात्र प्रकाश का और ऊष्मा का अंतिम सोर्स है, सोर्स यानी कि स्रोत है ना। तो सूर्य से हमको ऊष्मा मिलती है और प्रकाश मिलता है। सूर्य की ऊर्जा से ही हमारे पौधे जो है भगवान प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं, जिससे पौधों की वृद्धि होती है ना, और हम लोगों को भोजन मिलता है और हमारे शरीर का ताप बना रहता है ना। तो प्रकाश ऊर्जा से हम लोगों को भोजन मिलता है,
और हमारे शरीर की वृद्धि होती है और हम लोगों को गर्मी मिलती है, ठीक है, यानी हमारे शरीर का ताप भी बना रहता है। और पांचवा और आखिरी प्रकार है विद्युत ऊर्जा, है ना। विद्युत ऊर्जा यानी कि तुमने कभी देखा जाए पंखे या जो बिजली का पंखा चलने वाला होता है ना, उसके सॉकेट को विद्युत के पंखे से जोड़ दो, है ना, विद्युत पंखे के सॉकेट को विद्युत पंखे को विद्युत के सॉकेट से जोड़ दो और स्विच को ऑन करो, तब देखो क्या होता है, पंखा चलने लगता है ना। तो विद्युत से क्या हुआ, पंखा चलने लगा, यानी कि विद्युत भी एक प्रकार की ऊर्जा हुई, कार्य हुआ ना, विद्युत से जोड़ने पर कार्य हुआ, विद्युत भी एक प्रकार की ऊर्जा हुई, है ना। और विद्युत ऊर्जा की बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आजकल कितनी रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग में आती हैं, देखो तुम लोगों को हम दिखाते हैं, ठीक है। ये देखो ओवन है, इसमें खाना गर्म रहता है, ये टीवी है, विद्युत ऊर्जा से चलता है, इसमें हम लोग बहुत सारे कार्यक्रम देखते हैं, ये गीजर है, विद्युत ऊर्जा से चलता है, इसमें पानी गर्म किया जाता है, ये ट्यूबलाइट है जिससे हमको रोशनी मिलती है, ये बल्ब है इससे भी हमको रोशनी मिलती है ना, ये प्रेस है जिससे हम लोग कपड़े को इस्त्री करते हैं, और ये जल ऊष्मक है जिससे हम लोग पानी गर्म करते हैं, है ना। तो ये सब विद्युत ऊर्जा के से चलने वाली चीजें हैं और इनसे कार्य होता है ना, बात समझ में आ रही है। तो हमने तुमको विद्युत ऊर्जा के बारे में बताया और ऊर्जा के कई रूप बताए, है ना बच्चों। लेकिन क्या होता है, जो सजीवों के यानी कि जो जीव जंतु हैं उनकी ऊर्जा का स्रोत, और मशीनें जो होती है, जैसे तुमको मशीनें दिखाई थी मैंने, ये मशीनों की ऊर्जा का स्रोत और सजीवों की ऊर्जा का स्रोत भिन्न भिन्न होता है ना। देखो बताते हैं तुमको हम, सबसे पहला स्रोत है ईंधन, फिर है भोजन, तीसरा है बायोगैस, चौथा है सौर ऊर्जा, और पांचवा है वायु और जल, ठीक है। अब तुम लोगों से हम ऊर्जा के स्रोत के बारे में बात करते हैं, ठीक है। पहला स्रोत हमने बताया ईंधन, है ना। ईंधन यानी कि वो पदार्थ जो दहन के द्वारा, दहन यानी कि जलाने पर जो प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उनको हम ईंधन कहते हैं, है ना, समझ रहे हो ना। ईंधन यानी कि समझ लो पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है, लकड़ी है, कंडे हैं गोबर के, है ना। ये सब चीजों को जब हम जलाते हैं तो क्या होता है, हमको प्रकाश मिलता है और ऊष्मा मिलती है ना। तो ऐसे पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। इनके अलावा पेट्रोल है, गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, पेट्रोल के जलने से ऊर्जा मिलती है जिससे गाड़ी चलती है ना, डीजल के जलने से गाड़ी चलती है ना। तो इस तरह के पदार्थ सब क्या होते हैं, ये ईंधन कहलाते हैं, है ना। और इसके अलावा दूसरा स्रोत है हमारा भोजन, है ना। तुमको एक चित्र दिखाते हैं, इस चित्र में देखो ये बकरी है, ये घास फूस खा रही है ना। तो और सूर्य की ऊर्जा है, यहाँ पे सूर्य से पौधे जो है भोजन बना रहे हैं और बकरी इसको खा रही है, तो बकरी इसको खाएगी तो इसके पेट में भोजन जाएगा और भोजन से इसको ऊर्जा मिलेगी, ठीक है। और हम लोग भी पेड़ पौधों को खाते हैं, हम लोग भी तो खाते हैं, पेड़ पौधों से मिलने वाली चीजों को खाते हैं, और छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी खाते हैं, बड़े जंतु छोटे जंतुओं को खाते हैं, उससे हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है, उससे हम दौड़ते हैं, भागते हैं, अपने बहुत सारे काम करते हैं, करते हो ना। तो भोजन से हमको ऊर्जा मिलती है ना, भोजन भी ऊर्जा का स्रोत है, यानी कह सकते हैं सभी जीव जगत के लिए, जीव जंतुओं के लिए भोजन ही ऊर्जा का स्रोत है। अच्छा बच्चों, ये तो हमने ऊर्जा के स्रोतों की तुमसे बात की, लेकिन हमने तुमसे बात की पेट्रोल डीजल और कोयले की भी, है ना। तो जो हमारे पास जो ये ऊर्जा के स्रोत हैं इनके भंडार अब बहुत सीमित रह गए हैं, है ना। अगर हम इनका जो है इस तरह से इस्तेमाल इनका हम सोच समझ के नहीं करेंगे तो एक दिन ये खत्म हो जाएंगे, तो हम लोगों के पास ऊर्जा की कमी हो जाएगी, है ना। इसके लिए हम लोगों को कुछ ऐसे ऊर्जा के स्रोत ढूंढने हैं जो हमको आगे निकट भविष्य में ऊर्जा का काम दें, ठीक है। इसके लिए हमने कुछ और स्रोत तुमको बताए थे अभी, जैसे कि बायोगैस, वायु और जल, है ना, इनके बारे में तुमसे हम बात करते हैं। अब इस चित्र में देखो ये क्या है, बायोगैस संयंत्र है ना। इसमें क्या होता है, जो कल कारखाने होते हैं उनका कचरा होता है ना, और जीव जंतुओं के मल मूत्र होते हैं, है ना, अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, और फसलों के बचे हुए अवशेष जो होते हैं, उन सबको क्या करते हैं, अगर हम उन सबको इकट्ठे जला दें, अगर इकट्ठा करके सुखा लें और सुखा के जला दें, तो हमको क्या मिलेगा, ऊष्मा मिलेगी और थोड़ा सा प्रकाश मिलेगा, है ना। तो उसके अलावा हम क्या करते हैं, इन सबको इकट्ठा कर लेते हैं, जितने भी ये कल कारखानों कचरे और अवशेष पदार्थ हैं इनको इकट्ठा कर लेते हैं, और इनको ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में
गर्म करते, गर्म नहीं करते, सब ऑक्सीजन की उपस्थिति में इनको रख देते हैं और जो है इन पे जीवाणुओं की क्रिया होती है ना, एक एक निश्चित तापमान में जीवाणुओं में क्रिया होती है, जिससे क्या होता है बायोगैस बनती है, बायोगैस यानी कि मीथेन गैस। इसका ये देखो संयंत्र है ना, ये गांव में घरों की जमीन के अंदर लगाया जाता है ना। इसमें देख रहे हो, ये यहाँ पे हम इसमें सब चीजें डालते हैं, जो हमारे आवश्यक पदार्थ होते हैं यहाँ से डालते हैं, इस पाइप से इसके अंदर आता है और यहाँ पे गैस बनती है और यहाँ से गैस ऊपर इसमें यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। और उसके गैस बनने के बाद जो बाकी चीजें बचती है उसको हम खाद की तरह इस्तेमाल करते हैं, है ना। और जो गैस होती है ये घरों में खाना बनाने के काम आती है और घरों में प्रकाश करने के भी काम आती है ना। इस गैस को हम मीथेन गैस कहते हैं और इस तरह के अवशिष्ट पदार्थों को हम जैव मात्रा कहते हैं, है ना। तो ये हमारे लिए एक ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है ना, इससे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक। इसके अलावा तुमको बताया था सूरज, सौर ऊर्जा जो है हमारे धरती पर, सूर्य है ऊर्जा का एकमात्र अंतिम सोर्स है, यानी कि स्रोत है ना। आजकल क्या होता है, सूर्य की ऊर्जा का इस्तेमाल हम खाना बनाने में, पानी को गर्म करने में और कई यंत्रों को चलाने में करते हैं, है ना, क्योंकि सूर्य के पास बहुत ऊर्जा है ना। तो इसका ये एक देखो तरीका है, ये सोलर कुकर, इस चित्र में देखो ये सोलर कुकर है। इस कुकर में क्या होता है, ये लकड़ी का बक्सा होता है ना, लकड़ी का बक्सा है, इस पे ऊपर दर्पण लगा होता है, कांच का दर्पण होता है। इस दर्पण में, इसके अंदर यहाँ पे हम दो बर्तन या दो बर्तन रखे हुए हैं ना, और ये बर्तन होते हैं, बर्तन बाहर से काले होते हैं, है ना। क्या होता है, जब प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जो है इस दर्पण पे पड़ता है तो सूर्य का प्रकाश परावर्तित हो जाता है और परावर्तित होकर वो इस बर्तन पे पड़ता है। चूंकि बर्तन की सतह काली होती है तो ये प्रकाश को अवशोषित कर लेती है ना। और धीरे धीरे इसका ताप इतना बढ़ जाता है बर्तन का कि इसमें रखा हुआ खाना पक जाता है, कम से कम 2-3 घंटे में सारा खाना पक जाता है। इसी सोलर कुकर में हम पानी भी गर्म कर सकते हैं, देखो इसमें पानी गर्म हो रहा है और इसमें देखो एक साथ कई बर्तनों में हम कई चीजें पका सकते हैं एक साथ, है ना। ये सोलर कुकर के ही तीन चित्र हैं, इसमें देखो एक साथ हम कई चीजें पका सकते हैं, इससे हमारी क्या ऊर्जा की बचत होती है। जो हम लोग घरों में गैस का इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, कोयले का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए, उससे चूंकि उसके भंडार सीमित हैं, अगर हम उसको कम इस्तेमाल करेंगे तो सूरज की ऊर्जा का इस्तेमाल करें हम, उसको कम इस्तेमाल करें तो निकट भविष्य में हमको ऊर्जा का संकट नहीं झेलना पड़ेगा, है ना बच्चों। तो इस सोलर कुकर के अलावा भी सूर्य से सौर की ऊर्जा के हम किसी और चीजों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो ये देखो सोलर सेल है ना, इसमें क्या है, इसमें छोटे छोटे, ये देख रहे हो तुम लोग, ये छोटे छोटे सोलर सेल हैं, सारे सोलर सेल को मिलाकर सोलर पैनल बनता है, ये पूरा क्या है, सोलर पैनल है ना। इसमें सिलिकॉन लगा होता है, ठीक है। इस पे क्या होता है, सूर्य की ऊर्जा जब पड़ती है, सूर्य की मतलब कि किरणें से पड़ती हैं, ऊर्जा का इसमें संचय हो जाता है और इस ऊर्जा से हम विद्युत की मोटर चला सकते हैं, बैटरी चला सकते हैं, गांव में लोग टीवी चलाते हैं, है ना, गांव में कम से प्रकाश भी उत्पन्न किया जाता है, यानी कि बल्ब भी जलाते हैं, है ना। तो ये देखो सोलर ऊर्जा का कितना सही इस्तेमाल है ना। एक और देखो, सोलर जल ऊष्मक है ना, यानी कि सूर्य की ऊर्जा से पानी को गर्म करना कैसे होता है, देखो इसमें भी देखो ये कांच का बर्तन होता है ना, और इसमें ये पाइप लगे होते हैं, है ना। और ये पाइप जो है बाहर से काले रंग से होते हैं, इन पे काला रंग होता है बाहरी सतह पे, है ना। और क्या होता है, जब सूर्य इस यहाँ से पाइप से ठंडा जल इसमें डालते हैं, ठंडा पानी डालते हैं और जब सूर्य का प्रकाश पे पड़ता है तो इसकी काली सतह जो होती है सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेती है और खूब गर्म हो जाती है, धीरे धीरे खूब गर्म हो जाती है, तो इसके अंदर का पानी भी गर्म हो जाता है। पानी गर्म होता है तो यहाँ से गर्म पानी निकल के इस टैंक में आ जाता है और यहाँ से हम लोग गर्म पानी ले लेते हैं, है ना। पानी गर्म करने के लिए तुम लोग कोयला जलाते हो या लकड़ी जलाते हो और इसमें आराम से ना कोई प्रदूषण होता है, ना कुछ, ना धुआं होता है और आराम से तुमको पानी गर्म हो जाता है ना। और तुम्हारे जो है ऊर्जा की चीजें हैं, कोयला है और ये लकड़ी की बचत भी होती है ना। इसके अलावा एक ऊर्जा का स्रोत है तुम लोग का, तुम लोग जैसे वायु और जल। अब तुम लोग को एक चीज दिखाते हैं, देखो ये फिरकी है ना, फिरकी इसे तुम लोग कितना खेलते हो, मेले में इसे खरीद के लेके आते हो फिरकी को, है ना।
अब देखो इस फिरकी को फूंक मारते हैं तुम लोग, जब हवा में इसको लेकर चलते हो तो क्या होता है, खुपते चलने लगती है ना। अब इसको फूंक मारते देखे क्या होता है। फूंक मारने से घूमती है, घूमती है ना, इसका मतलब इसमें कार्य होता है, हवा से कार्य होता है, यानी हवा में भी ऊर्जा होती है, गतिमान हवा में जो हवा चल रही हो उसमें ऊर्जा होती है। तो इस ऊर्जा का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं ना, ताकि हमारे जो ऊर्जा के भंडार हैं वो खत्म ना हो, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखो पवन चक्कियां बनाई गई हैं हमारे देश के उन प्रदेशों में, उन जगहों पर जहां खूब तेज हवा चलती है वहां पे पवन चक्कियां बनाई गई। देखो पवन चक्की का एक चित्र है, ठीक है। पवन चक्की में देखो ये पंखे लगे हुए हैं, ये हवा से बहुत तेज चलते हैं जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे आटा पीस सकता है, मोटर चल सकती है, बिजली तक बनाई जाती है इससे, ठीक है। और इस तरह जहां पे बहुत हवा चलती है वहां कई पवन चक्कियों को जोड़कर पवन चक्की के फॉर्म बनाए गए हैं, है ना। पवन चक्की के फॉर्म को से हमको विद्युत मिलती है या विद्युत का उत्पादन होता है, ठीक है। तो हवा का भी उपयोग हम कर सकते हैं ऊर्जा की तरह, है ना, हवा भी ऊर्जा का एक स्रोत है। इसके अलावा पानी, पानी भी ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है। देखो कैसे, मेरे पास देखो एक फिरकी है ना, इस पे अगर हम पानी डालें तेजी से ऊपर से तो ये ऐसे घूमने लगती है ना, तेजी से पानी डालती है तो खूब तेज घूमने लगती है। इसका मतलब पानी में भी ऊर्जा होती है, क्योंकि कार्य हो रहा है ना, चक्की घूम रही है, कार्य हो रहा है, तो इसका मतलब पानी में भी ऊर्जा होती है। पानी की ऊर्जा का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं या होता है। देखो ये क्या है, जल विद्युत संयंत्र है, यानी कि पानी से बिजली को बनाया जा रहा है ना। इसमें देखो बांध होता है, बांध से पानी को इकट्ठा किया जाता है, पानी के ऊपर नदियों के ऊपर बांध बनाया जाता है और बांध में पानी इकट्ठा किया जाता है। उस पानी को चलती हुई टरबाइन, टरबाइन एक फिरकी की तरह की रचना होती है, टरबाइन पे चलाया जाता, किराया जाता है। तो टरबाइन क्या होती है, वो घूमने लगती है ना, टरबाइन घूमती है, टरबाइन के घूमने से जनित्र जो होता है वो चलने लगता है, जिससे बिजली बनती है। और फिर बिजली को बना के तार के द्वारा जगह जगह सब कस्बों में शहरों में भेजा जाता है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो इस तरह हम जल का इस्तेमाल करके विद्युत बना सकते हैं, है ना। तो हम जो हमारे जो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत हैं बच्चों, हम लोग अगर इनका इस्तेमाल करें तो हमारे जो ऊर्जा के भंडार हैं वो जल्दी खत्म नहीं होंगे और निकट भविष्य में हमको बराबर ऊर्जा मिलती रहेगी। इसके अलावा तुम लोगों को ये ध्यान देना है कि ऊर्जा को सोच समझ के इस्तेमाल करना है और उसका अपव्यय नहीं करना है ना। और ऊर्जा के कुछ और वैकल्पिक स्रोत ढूंढने हैं जिससे हमको कभी आगे भविष्य में ऊर्जा का संकट